बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखें। हम शाम का व्लॉग शुरू करते हैं और माशाल्लाह से जी मेरी गुड़िया रानी बिल्कुल फ्रेश हो गई है, कपड़े चुपड़े पहन लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी क्या बात है, सदके जाऊँ इन मुस्कुराहटों पर। और माशाल्लाह से मेरी बेगम जो है ना लगी हुई है अपनी समझें के वर्जिश करने के लिए, वर्जिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। असर का टाइम है, अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल करे। प्यारे बहन भैया राशिद मुझे नहीं खेल रहे थे, नहीं रहने दो। मैंने कहा नहीं, मैंने लाजमी धोनी है क्योंकि मट्टी इतनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मट्टी हो जाती है। जी जी बिल्कुल, साथ में आपका थोड़ी सी ना वर्जिश हो जाती है, फिर राती फिर जरा ना तो शाम वक्त पाया होना, कदा जागता की कदा कुड़ी की कदा जने की कदा किसकी कदा किसकी, इधर पीड़ तो उधर पीड़। हाँ हाँ सही गल है, ओए छोड़ दियो हमारे की मंजी दे दियो, बस मैं सवा। वो तो मेरा हक बनता है ना प्यारे बहन भाइयो, सारा दिन थके हो तो काम करके जी जी एंड ना मिले तो चिरपाई नहीं कदा दीती। आपू लम्बे पे होने तुम्हें कदा नहीं कहा था मंजी दे दो, थला चटाई डाइक देने आता था वो है। शाबाश से चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सफाइयाँ शफाइयाँ बेहतरीन हो गई हैं। मेरी बेगम ने जो है ना पूरा सहन शहन जो है ना अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया है, रेड कर दिया है। ठीक है जी, बिल्कुल मट्टी छट्टी निकाल के चाह के बाहर सड़ दी थी, वो जाके नालियाँ बिच फंस जानी, एथू करने चाह के नालियाँ फंस जानी इंशाल्लाह। बस एक दो दिन तकरीबन समझे कि हफ्ता खंड रह गया, काम शुरू होगा तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। और मज़े की बात बेगम जी, ये एक और बात है, ये देखिए ना माशाल्लाह हमारा पौधा मुकम्मल तरह से लग गया है, बिल्कुल हरा भरा हो गया है। हाँ जी जी बिल्कुल, जो इसके मसलन वो मरी थे ना पत्ते शते, वो भी जाग उठे हैं। जी जी ऐसे जागे जैसे मैं जागता हूँ ना ऐसे। जी आप? जी मैं क्यों हमारे जागने का कोई शक है? मुझे सोने दो, मुझे कोई ना खिलाओ, राती जागना रहा। राती कुछ जागना रहा किस आके आ शाबा से थोड़ा डायलॉग अपने आप से भी मार। हाँ ये पत्तियाँ, ये पानी चूसे ना फिर ये पत्तियाँ सारी सुन ले बिल्कुल। ओ हमारे कपड़े गंदे से करने हो फिर तो होके भी देसो। हाँ जी ये पानी ज़ाया नहीं हो रहा प्यारे बहन भाई, नहीं तो कमेंट आ जाएगा ज़ाया, घर भी तो साफ करना ही हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह जब ये घर मुकम्मल हो जाएगा ना, सिमट सिमट लग जाएगा तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पे इतनी मिट्टी नहीं होगी और इतना पानी भी नहीं लगेगा। तीन से हम जब हैं तीन से चार काम वाली आ चुकी हैं, बाकी हमें काम पे रख लें, हम जरूरतमंद हैं, मैं करता हूं। भूखे माल मरासी तू शाह साहब आ गए अभी मैंने कहा हम खुद मजबूर हैं, इंशाल्लाह वो दिन आएगा जल्दी, हमारी भी अल्लाह मुश्किलें दूर करेगा आप लोगों की भी, तो इंशाल्लाह कोई ना अल्लाह ताला बेहतरियां करेगा। खुद लग पड़ते हैं तो इंशाल्लाह जरूर, मैं कहा जब हमारे हालात तो होंगे आप लोगों को जरूर बताएं। बेगम जी शायद हो सकता है काम वाले भी अच्छा घर साफ करते हो, लेकिन जो बंदा खुद काम अच्छा कर सकता है ना दूसरे पर डिपेंड नहीं। अच्छा काम करती हूँ, क्यों गाँव की है ना, शहर की नहीं, अच्छा जोड़ती है ना शहर की, वो आगे आगे से करंट हो गया तो आगे कैसे करण किया दुए करण किया त्रीए घर पहुँच गया। बहरहाल जी हम शहरदानों को भी नहीं कह रहे हैं, वैसे कुछ बंदे हैं जो ऐसे करते हैं, ज़्यादातर ये भी नहीं है कि सारे करते हैं, कुछ बंदे हैं कुछ जो मसला करते हैं अच्छे काम जो ना, हाँ यहाँ के जो है अच्छे काम करते हैं। जी जी मैंने उनका सफाई अपने आप लगे नहीं, हाँ। बिल्कुल साफ सुथरा था, साफ मट्टी और गोए के ले दी भी पूरे इतने तरह बड़े घर कमरे भी कच्चे। अच्छा हम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जी ने हमें ये वाला घर दिया है,
और जैसे आज ये थोड़ी सी है मट्टी का, तो हम कितना हो जाते हैं बच्चों को बार बार कपड़े चेंज कराते हैं। वो कहते हैं बाजी यही बच्चों की जिंदगी, हम तो उन बच्चों को बार बार कपड़े चेंज कराते हैं। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं छोड़ती, मैं तो वक्त डला होता है हम चेंज कराया। अच्छा क्या प्रोग्राम है, क्या करने का प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम है? हाँ जी खाने का। जी जी आज कमेंट्स आए हुए थे कि मसलन जो आपने कद्दू लिया है उसका हलवा बनाए, तो सबकी फरमाइश है आज हम पकाते हैं हलवा कद्दू का, सही है ना? वो वाली रेसिपी का कद्दू बनाऊंगी जो बहुत मस्त ना हो, खाने में हाँ मेरी तरह सादा सिंपल सा हो ना, मस्त ना हो। तो हर पासू माले के रगड़ देने हो तुसा, जिधर मैं कोई गल करना उधर जा के इधर उधर मेरे तुसा कह तक लिया करो। अच्छा चलो जी ठीक है जी, चलो जी माशाल्लाह सफाई सही होगी, अब करते हैं काम शुरू, तो मिलते हैं आपको वो क्या नाम है सब्जी काटते हुए क्रश करते हुए। ठीक है जी, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी मजाकें इंजॉय कीजिए। अब इधर से क्या हो गया, लकड़ियों कभी धोएंगी? नहीं अल्लाह ना वास्ता है। अच्छा मेरी बात सुन ले ना। जी जी सुनाए ना। कहते हैं तो भाई ये इतने ना दो, यहाँ पे कोई मेहमान आ जाए कहेंगे कोई रखे जनानी कितनी साफ है, घर को साफ रखती है, आपकी इज्जत बनेगी या मेरी? जी बिल्कुल मेरी बनेगी खाली, मेरी तो नहीं बनेगी ना, दोनों की बनेगी। नहीं राशिद नहीं जनानी, राशिद नहीं जनानी, लेकिन कमेंट आते हैं के नबीला सिस्टर बहुत नीच एंड क्लीन है नबीला ने। हाँ जी तो कमान साहब वो सारा आपको क्रेडिट जाता है, राशिद को क्या क्रेडिट जाता है? राशिद की कौन जानना, मेरे की कौन जानना, मेरे की तो कोई भी नहीं जानना। अच्छा अच्छा चलें जी माशाल्लाह। वैसे हाँ जी बिल्कुल सड़ गया, मैं थाने तो पहला सड़िया तो सी क्या ना, ओ क्या हुआ है क्यों नीचे उतर आई हो? ओ मेरी गुड़िया रानी आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, ओ नो बाबा की जान आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो पारी करो बाबा को करो, इधर भी मेरी बेटी, चलो इधर बैठो आप, इधर बैठो, मम्मम दूँ पानी दे दो। माशाल्लाह जी क्या बात है, कितनी जा रही हो? बोलो सारा पढ़ने। अच्छा अच्छा सही, सलाम से खड़े होते हैं, बोलो हाथ मानो सीधे खड़े हो, सीधे करो, बोलो मैं सारा पढ़ने जा रही हूं। किसके घर? बोलो बाजी के घर, बाजी के घर। अच्छा अच्छा सारा पढ़ना, वहां पे मस्तियां नहीं करनी, ठीक है? मस्तियां नहीं करनी उधर, ओके क्या करोगी? ऐसे पढ़ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो, पढ़ो बिस्मिल्लाह, बाजी से कुछ पढ़ बाजी खुद पढ़ाएंगी, ठीक है? पापा ये बाजी पढ़ाएंगी ना, उनके साथ खेलोगी? आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का पहला दिन असपारा पढ़ने के लिए, ठीक है? अच्छा अच्छा पढ़ना है, अभी मंडे को इंशाल्लाह मेरी बेटी स्कूल भी जाएगी, मजा आएगा। हाँ जी ट्यूशन भी पढ़ती है, ट्यूशन तो अभी उस तरीके से नहीं जाती ना, ट्यूशन हम लोग स्कूल लेके जाते हैं पढ़ती है। हाँ जी अलिफ लिखवाते हैं, मगर अलिफ अच्छा से ध्यान से लेके जाना, ठीक है? हाथ पकड़ के रास्ते में गिरे ना। टोपी मैंने देनी है तो मैं खुद ना पहन लूँ? आपको टोपी दी थी ना, वो किधर संभाल के क्यों नहीं रखी आपने? वो बाजी दे रही है, बाजी के पास है। हाँ तो फिर जाके वहाँ से पहन लेना, ओके अल्लाह हाफिज, चलो मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, अल्लाह हाफिज आयत, अल्लाह हाफिज आज करो ना, अल्लाह हाफिज। क्यों इस बेचारे ने ताकत लाने की जरूरत नहीं, इतनी ताकत है वैसे सोच अल्हम्दुलिल्लाह ले ताकत है तो साथ आने हो ना ही होगा, तो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मानना आ गया लगता बारे तो बच्चे ट्यूशन से आ गए, बच्चे ट्यूशन से आ गए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें पता चल गया। जी जी माशाल्लाह से बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम माशाल्लाह। क्या किया हुआ है? दरिया बना रहे। वालेकुम सलाम। क्या रहा सिस्टर? ठीक है इधर से गुजरे। क्योंकि उस रात आए थे ना, वीडियो नहीं बनाई थी, तो बहन भाई बोल रहे थे कमेंट्स करके भाई आप गए नहीं उधर, वो आए हुए चले जी। ईंटें धोई है ना, ईंटें बहुत ज्यादा गंदी थी। इसको ऊपर करें, इसको ऊपर करें। पंखा 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 लगा दी। पंखा आ गया माशाल्लाह। जी जी पंखा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सही करवा लिया है। इसकी ना वो तार फंस गई थी तो टूट गया था। तो अभी जो है ना कल इंशाल्लाह सही करवा के लेके आऊँ। मैं कहा मेहमान आ जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। अच्छा उसको भाई ये क्या जरूरत थी आपको? ये चोखे चीजा है, थोड़िया चीजा है। नहीं थोड़िया नहीं, काफी ज्यादा। ये देखे ना, बनाना है माशाल्लाह के लिए। आप हम तो बच्चे ही हैं ना, हम कौन सा बड़े हैं? आप के लिए नहीं है ना, ये मैं बच्चों के लिए लेके आया हूँ। आप कह रहे हो कि क्यों लेके आए, तो मैं आपके लिए थोड़ी आप बच्चों के लिए आ जाते हैं। हम बहुत ज्यादा खुश हुए आप। हमें खुशी है कि आप हमारे इलाके में आए और बिजली देखो आ गई है। फिर बिजली आ गई माशाल्लाह। और हम ही ना आएंगे तो फिर और कौन आएगा? बहुत अच्छा कि आप आए मेरे भाई ना। वैसे भी आए थे, वो वीडियो नहीं बनी थी लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल आए थे रात के टाइम। अकबर भाई और अल्ताफ भाई दोनों आए थे। जी जी तो बस वो तकरीबन हाल में 10 बजे का टाइम था रात ले। जी जी 10 बजे का टाइम था। वीडियो आपकी भी कंप्लीट थी, मेरी भी कंप्लीट थी। जी जी तो इस वजह से वीडियो नहीं बना सके। अब तो आ गए ना दिन को। जी जी बिल्कुल आ गए, आपको नजर आ जाएगा। वो हमारी जबान है ना पटवारी में, सत बिस्मिल्लाह करा तुसा आए हो सने कहा। फिर अब हम कब बोलेंगे कि सत बिस्मिल्लाह करा तुसा आए हो साडे घर? आप लोग जो बोल रहे थे कि उस रात भी बोल रहे थे कि आप जल्दी आएंगे, कितने दिन हो गए हैं आए हो? हम दरअसल लगे हुए ना, बस बच्चे स्कूल स्कूल दाखिल करवाए हो गए ना, तो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आया करेंगे। ऐसा ऐसा तो नहीं कि आप इंतज़ार कर रहे थे आप ये इस्लामाबाद भाग गए फिर जाएंगे? आप इस्लामाबाद भागेंगे? अच्छा बस ठीक है, इस्लामाबाद वाले इधर आ गए आप उधर जाएंगे? उधर जाएंगे हम। 32 घंटे सफर तय करके आए, आप इधर से तय करके जाएंगे? हम इधर से करके जाएंगे। हम भी फील करेंगे ना जब इस्लामाबाद से इधर आने का और इधर से उधर जाने का क्या डिफरेंस है। माफी, बस यही है कि अब हमने भी सोचा हुआ है, होता तो वही है जो नसीब में होता है बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि उधर जाए, उधर ही शिफ्ट हो जाए। चलें जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियां करें हर किसी के लिए। वो इलाका जो है ना सफाई और सुथराई के लिहाज से बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद मौसम के लिहाज से बहुत बेहतरीन इलाका, बेस्ट इलाका। ये तो हमारा तो समझे गांव है। अब उधर मैं इस्लामाबाद में पूछा था किसी ने कि कहां से आए हो, मैंने कहा मैं खानपुर जेठा बुटा शुगर में, कहता है वो कहां पे है? मैंने कहा आप लोगों को वो भी नहीं पता? मैंने कहा जिला रहीम यार खान, रहीम यार का थोड़ा सा सुना। जब मैंने बोला ना बहावलपुर का, वो अच्छा अच्छा बहावलपुर से आए हो, मतलब उनको इस एरिया का भी नहीं पता। नहीं पता ना हमारे पास, वो जहाँ पे आप गए थे डैम पे ना वो खानपुर है। हम अपने उधर थे ना पास, तो हम सबको कहते थे कि खानपुर जा रहे हैं, वो कहते ये 5 घंटे का सफ़र। मैंने कहा ये घंटे का नहीं, 800 किलोमीटर दूर है। 32 घंटे तो लगते हैं ना, मस्जिद पे लगे हैं। तो वैसे जो ट्रेन पे है ना तकरीबन 17-18 घंटे का सफ़र है। बस पे तकरीबन इधर से 6 बजे जाती है, वो सुबह 8 बजे पहुँचाती है। 14 घंटे ना, 14 घंटे लग जाते हैं। वो भी दूसरी शादी ख्याल जाती है, दूसरी डैम हो जाती है, वो थोड़ा सा जल्दी पहुंचा देती है। सही सही, क्या आगे पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी रास्ते हैं बिल्कुल। कलर कहार ही उनका टाइम ज़्यादा लग जाता है, जैसे उन्होंने रोक दिया होता है, स्लो स्लो लेकर जाते हैं। बिल्कुल सही है।
चलें जी पानी आप माशाल्लाह देते हैं। आज तो नहीं बोतल उबल रही, ये पानी है, कोई बात नहीं, हमें नहीं पड़ी है, गले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी पानी है, सिर्फ हमने ना थोड़ा सा ब्लैक रंग बीच में डाला हुआ है, सरफ डाला हुआ है, सरफ और ब्लैक रंग, जी जी बिल्कुल। अच्छा स्टेबलाइजर ले लें, स्टेबलाइजर तो बहुत महंगे हैं, सस्ते रेट वाले भी हैं महंगे वाले, मगर वो वाला होना जो अच्छे हो जो चले। अच्छा ये आप ले बताओ, गले पहले पकड़े हुए हैं हमारे, आप कहते हो कि यहाँ से अताउला की आवाज निकले हमारी। कोई बात नहीं, ये छोटी गुड़िया एक है ना, आप दोनों पीस पीस की ठीक है, नहीं दोनों को दे दो कोई बात नहीं, नहीं वो ज्यादा नजर जुकाम का भी है। चले जी इंशाल्लाह पानी पीते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तब्दीली है उधर तो, वैसे इतनी मतलब जैसे अभी रात को ठंड होती है उधर तो दिन को भी यही माहौल होता था, बिल्कुल जून में आए थे गर्मियों में, लेकिन फिर भी महसूस नहीं हो रहा था, आपका एक पंखा चल रहा था वो भी ऐसे सुकून था, सुकून था मतलब गर्मी नहीं फील हो रही थी, हमारे कमरे में जब आप गए थे आपको गर्मी महसूस हुई नहीं हुई उधर कुछ भी नहीं, लेकिन इधर तो हालत बुरी है, ये हमारा ना अभी तो भाई देखे गर्मियाँ गुजर गई है, खत्म हो गई है गर्मियाँ, कहते हैं रोल तक गए हैं पर चस बढ़ी है। ये तो है, जैसे जो पहले था ना सिस्टम, जैसे हम उधर आए थे उन दिनों अगर आप आते तो फिर शायद आपको पता चला, मैं भी मेहमान हूँ जी, आप भी मेहमान हैं बैठे, चलो जी ठीक है, दिखाओ मेहंदी किसने गई है, मेहंदी किसने गई है, आप ही ने, कोई हाल नहीं, आज ट्यूशन पढ़ने गई थी पहले दिन, पहला दिन था, स्पारा भी पहले दिन उस दिन गई है, क्या नाम है, जाती है पढ़ती नहीं, पढ़ती नहीं है, तो मैं स्पारा पढ़ने गई है, मैंने कहा स्पारा पढ़ने जा रही हूँ मैं, पारा नहीं पढ़ूंगी मैं बाजी से खेलूंगी, वो अब बाहर चली गई, अब बाहर खेलेंगे बच्चे एक साथ हो गए, बस यहाँ पे ना हम उनको ना खेलने देते हैं कि यहाँ पे खेलने देते हैं, हाँ जरूरी है, जरूरी है खेलना, क्योंकि एक तो घर उधर से चेंज किया है जी जी, वो उधर से दोस्त चेंज हो गए, नहीं हम वहाँ पे बाहर तो नहीं निकलने देते थे, नहीं फिर भी बाहर जाते थे थोड़ा सा घर में गया, राशिद ना इसको अब्दुल रहमान को क्रिकेट नहीं थे खेलने दे रहे, मैंने कहा नहीं आप पास खड़े हो जाए ये खेलने क्रिकेट, क्योंकि ये फिर कहेगा हम किधर आ गए क्या हुआ, जिन बच्चों के लिए हम लगे हुए मेहनत वो उनका दिल खफा होता है क्या फायदा, तो बच्चों के लिए मेहनत लगे बच्चे ना खुश होंगे तो क्या फायदा, ऐसी है ना, ये फिर अब खेलेगा तो इनका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा जी बिल्कुल, पढ़ाई हाँ जी मैडम जी क्या फरमा रही हैं आप बताएं, कुछ नहीं फरमा रही भाई जान, वो उनको छोड़ो ये ऐसे खाना तो खा के जाए ना, ये तो बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ रहने दो, भी तो बनाना है ना आपके पास, आपने मैं भाईजान मुझे पता है उनके हाथ का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं अब जब आऊँगा ना मैं एक दिन पहले कॉल करूँगा कि मैं आ रहा हूँ खाना रेडी रखो, मेरी वो दिन कब आएगा वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, जब आप लोग उधर आ जाओगे ना फिर देख लो इसी साल, अभी पता है क्या अभी अभी खाना खा के आए आए हैं, पहले आप लोगों का हक बनता है हमारे घर तो आओ, मेहमान नवाजी आपके घर खाई थी ना जब आए थे, अब हम मेहमान नहीं है, अब अभी आप मेहमान हो, एक साल के बाद मेहमान नहीं, अब मेहमान नहीं आप, अब हम आपके पास एक साल तक अभी मेहमान है, एक साल के बाद फिर तब्दीली होगी, चले आप इस्लामाबाद जाए आपके पीछे हम भी आ जाए, बस आप इस्लामाबाद हम जा रहे हैं आप इधर आ गए हो ना तो हम उधर चले जाते हैं फिर मेहमान जल्दी, आप ठीक है आप राइट है जा रहे हैं ना इस्लामाबाद शहर है, हमें सब कहते हैं आप गाँव में क्या लेने आए हो, यही चीज हमें नहीं बोलेंगे कि आप उधर क्यों गए, हाँ बिल्कुल वो कहेंगे कि आपने गुड डिसीजन क्या कहते हैं डिसीजन डिसीजन गुड फैसला किया है, हाँ जी वही है, वो भी दुआ करें अल्लाह करे हो जाए इंशाल्लाह हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा है कि काम चल रहा है, अल्लाह ताला सबको नेक मकसद में कामयाब करे, हम भी यही है जैसे आप बच्चों की खातिर आए हैं हम भी इन्हीं बच्चों की खातिर, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी दिन को इस तरह आग में हम चल रहे हैं, हमें अकबर भाई कहते थे जाओ ना आप लोगों को पता लगेगा वहाँ पे गर्मी है, कहते थे आयत को लेके जा रहे हो ना आप, आयत को मैं बस आयत के लिए मैं ज्यादा परेशान हूँ, काली कर दोगे आयत मुझे दे दो, ईमान भी बोले आयत काली हो जाएगी हमें दे दे, उस दिन ना इसकी फ्रेंड की ना आई है उसने तस्वीर भेजी
कहती है ये देखो और अब आयत देखो। क्या करें, लेकिन बच्चों की खातिर बड़ा मुश्किल हमने फैसला किया। देखे ना वहाँ पे हमारे व्यूज नहीं थे, अब यहाँ पे अच्छे व्यूज। ये चीज़ तो मैंने बोली है, मैंने कहा अगर उधर से आप आ गए हो हिजरत करके तो वो तो है, सुन्नत है हिजरत, तो ऐसा ऐसा व्यूज भी आ गए माशाल्लाह, हम हमारे बराबर आ रहे हैं इंशाल्लाह, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, आगे मजीद अल्लाह पाक का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेन यही है कि एक बंदे का जब वो कहते हैं ना कि ठिकाना बन जाए ना बिल्कुल, या खाली जमीन ले लो तो घर बनाना फिर आसान हो जाता है। आपका चैनल एक बार ग्रो कर गया तो उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा, अल्लाह हमारी है इंशाल्लाह। जब चैनल अच्छा होगा तो घर भी बनाएंगे, वो भी उधर ही जाकर इंशाल्लाह। राशिद कहते हैं हमें अलम दिया तो हम इधर भी बनाएंगे, कभी इधर तो कभी उधर। हाँ मैंने कहा यहाँ पे भी घर लेके ना इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी यहाँ पे घर बना के ना छोड़ जाएंगे, कभी बंदा इधर आ जाता है कभी उधर चला जाता है, तो इससे ये होता है कि जो ना ट्रैवल भी रहता है और आउटिंग भी हो जाती है। किधर जा रहे हैं जी? खानपुर। ये है कि थोड़ा सा आउटिंग ये खानपुर, वो भी इधर पोरपुर, वो क्या नाम है, नहीं हमारे पास ना उधर कौन सा है, हरिपुर, हाँ हरिपुर, हरिपुर है ना, वो दो मुसाफर सफ़र कर रहे थे ना, तो उसने पूछा भाई आप किधर के हैं, कहता जी मैं खानपुर का, आप किधर के, हरिपुर का, कहता फिर तसी दो ग्राह ही हुए, कहता वो खानपुर रहीम यार खान के पास, वो ये दूसरा इधर कितना फासला है, कहता पुरपुर तो मिलता है ना, पुरपुर मिलता है, पुरपुर बस वही हिसाब है कि आप भी पुरपुर बुला ले, हम पुरपुर बुला लेंगे। सही है, चलें जी मज़े की बातें होंगी इंशाल्लाह, फिर बैठते हैं हम। चलें जी तैयारी हो गई है इनके जाने की, हमने तो बतेर कहा है इनको कि रुकें, नहीं रुक रहे, मजबूरी है, बताया है आपको कि आगे अभी जाना है, अंधेरा हो गया फिर वापस जाके खाना वगैरह, अंधेरे में रास्ता नहीं आपको नज़र आता? नहीं वो अम्मी अबू बैठे हैं ना, उनका खाना वगैरह का वो भी करेंगे ना। अच्छा 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 सही है, ये रास्ता हम दिखाएंगे, रास्ता अम्मी अबू को भी ले आए, सबको ले आए आज खाना इधर ही, कसम से नहीं, फिर अभी हमने खाना नहीं बनाया, खाना तो हमारा बनना ही है, हाँ वो फिर कभी, अभी ये नहीं हम लाजमी को कड़ी बनाए, हमने उनसे पूछा भाई आपने क्या खाना है, तो कौरमा खाना है, हालांकि उस दिन बिजली ने हमें बस बड़ा तंग किया है, तो क्या मुंशी कहता कोरमा क्या होता है, मैं कहा फिर आपको कोरमा खिलाते हैं फिर देखते हैं कोरमा क्या होता है। सही है, चलें जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा मिलके इंशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आना है इंशाल्लाह, बुलाने आए हैं कि हमारे घर भी चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे, या जरा बच्चों को बाद जो ना दाखिल करवाने दो फिर एडमिट होंगे फिर इंशाल्लाह, मतलब सुबह जैसे वो स्कूल भेजो तो आप आ जाओ इंशाल्लाह, कोई कुछ ऐसे करेंगे, बच्चे भी उधर आ जाएंगे, ये सारी बस्ती के बच्चे उधर आ जाओ, क्योंकि आप जो है ना यहाँ पे तो सात बच्चे लेके जा सकते हैं, आपके घर तक हमें फिर आने में मुश्किल बनती है, बाइक के सारे नहीं आते, एक बाइक है तो फिर सात बच्चे, सात बंदे, मुझे बता देना मैं बाइक ले आऊंगा बच्चे को लेकर जाऊंगा, नहीं इंशाल्लाह चलो कभी आएंगे, बच्चे साथ होंगे तो इधर वो नहीं है नाम देगा आप ड्राइव वाला जगह पे देंगे, नहीं शहर में होगा, ये तो हमारा गांव है, गांव में नहीं ड्राइव को तो बंदा करवाए तो जिधर हो जाए, नहीं इधर ड्राइव जगह पे देंगे, ठीक है अल्लाह हाफिज, जा रही हो जा रही हैं, आपकी तैयारी होगी है, आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ ना, हम किसी के साथ अच्छा नहीं करते, नहीं सब बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस खाना सिर्फ नहीं खा के जा रहे हैं आप, अच्छा नहीं कर रहे, बस ये है कि खाना तो मैंने बोला है ना पहले, मैं कॉल करूंगा कि भाई और भाभी जल्दी से खाना तैयार करो मैं आ रहा हूँ, जानते हैं सब जानते हैं, मुझे इस टॉपिक पे खास तौर पर उनको पता है कॉल कर देता है, उस दिन जब आए थे आपको कॉल नहीं की थी कि मैं हम आ रहे हैं आपके साथ, जी बिल्कुल चले जी इंशाल्लाह बिल्कुल, आज आपने जरूर हमें कॉल करनी है, लेकिन एक दिन पहले पहले आप तो आओ, पहले हमारे घर चक्कर तो लगाओ, बस ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह जी चक्कर लगाएंगे, आ चुके हैं ना हम, बड़े होकर चक्कर जरूर लगाएंगे, बड़े होके हम छोटे हैं, अभी हम छोटे हैं, ऐसा छोटे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये बातें होती है कोई छोटा बड़ा, उस दिन हम जा रहे थे ना खानपुर,
तो हम वो तालाब के पास से कहती ये इधर इनका घर है, क्या नाम है अल्ताफ भाई का। मैं कहा बिल्कुल याद है मुझे, घर तो देखा हुआ है नजदीक, बिल्कुल नजदीक है, मैं तो पैदल आ जाऊं। इधर से भी आप जा सकते हो, इधर से भी, इधर से नजदीक है। अब ये रेलवे वाली पटरी है ना, जिसके परली शहर पे हमारा घर है। हां जी, चलो इंशाल्लाह पैदल ही आ जाएंगे। ओके हो गया, ठीक है जी, अल्लाह चलेगी जी आपके मेहमान चलेगे। अच्छा कितना अच्छा लगता है, कोई ना कोई माशाल्लाह यहाँ पे आया जाता है। वहाँ पे हम दोनों मियाँ बीवी कले मुँह बना कर बैठे हुए हैं। चले जी माशाल्लाह बाइक पे बैठ गए। ये अब उस रास्ते से जाएंगे, इधर से ये हाँ बिल्कुल उधर से घूम के ना, तो ये नाली थी इधर से, नहीं नाली से ना टायर गंदे हो जाते हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है ना टायर बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, तो फिर फायदा नहीं है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अल्लाह ताला से दे इंशाल्लाह। आमीन। आ जाए सही व्यूअर्स, अब तो हलवे का प्लान चौपट हो गया, अब रह गया रहेगा, काफ़ी अंधेरा हो गया, फिर रात को इतने मच्छर हो जाते हैं। अभी हम छिले कुतरेंगे, फिर उसकी कर्श करसा, फिर उसकी पकासा, दूध बासा, पानी सुखसी बड़ा सिर ते टांग बहुत ले ले सी, ते नाराज़ नहीं होना, आप सबने नाराज़ नहीं होना मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपके दम से हम हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, ढेर खुशियाँ अल्लाह आपको दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अंकल आंटी अल्लाह हाफिज़, मेरे लिए दुआ करें मैं ठीक हो जाऊँ।